नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है। राजनीति में आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के सियासी घमासान की। राज्य में चुनाव के बाद नई सरकार के गठन से जुड़े सत्ता समीकरण इतने उलझे कि शिवसेना ने बीजेपी का साथ तो छोड़ा ही, एनडीए से भी बाहर आ गई। शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर इस अलगाव पर मुहर लगा दी। ऐसे में सवाल यह है कि महाराष्ट्र में अब सरकार कैसे बनेगी और इसमें कांग्रेस की भूमिका क्या होगी। सवाल ये भी है कि अगर महाराष्ट्र में गैर भाजपा सरकार बनती है तो इसका असर दिल्ली में बैठी केंद्र की सरकार पर क्या होगा। इन सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार विजय नायक, वरिष्ठ पत्रकार पंकज शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार वेंकटेश केसरी। विनोद, आपसे शुरू करते हैं कि आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी अंततः इसी नतीजे पर पहुँचेगी कि उसे महाराष्ट्र में भले ही बाहर रहकर या सरकार के अंदर रहकर एक गैर भाजपा सरकार बनाने में मदद करनी चाहिए? देखिए, ये कांग्रेस के लिए मुश्किल कदम, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह की राजनीति आजकल हमारे देश में चल रही है और ये सारा प्रकरण जो है ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के एकदम बाद शुरू हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का समर्थन किया है कांग्रेस पार्टी ने कि इसके जजमेंट को मानना चाहिए जी। तो कांग्रेस पार्टी अगर इस नए गठबंधन को समर्थन देती है कोई भी तरीके से दे, भले ही वो प्रॉक्सीमेट हो, भले ही वो इशू बेस्ड हो, भले ही अंदर रह के हो, उस समर्थन से कांग्रेस पार्टी को राजनीतिक तौर पे फायदे 3-4 हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि सबसे पुराना अलाई बीजेपी का वो तोड़ लेगी। अगर कांग्रेस पार्टी इसके साथ नहीं जुड़ती है तो कांग्रेस पार्टी सबसे बड़े रिस्क पे थी कि उससे डिफेक्शन हो सकते थे दूसरी तरफ, वो डिफेक्शन की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। अब रही बात कि ये मॉरल है कि इमॉरल है, पॉलिटिक्स में मॉरलिटी तो नहीं होती, वो तो सत्ता का खेल है, लेकिन अगर कोई मॉरलिटी का सवाल उठाता है तो फिर मैं ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अंग्रेजी में जो कहा था, इट इज़ रीपिंग वॉट इट सोड। 30-35 लोगों का पलायन करवाया उन्होंने एनसीपी कांग्रेस से, अब उनकी जब बारी आई तो छोड़ेंगे क्या उनको? ठीक है। विजय नायक, आपके हिसाब से क्या रवैया होना चाहिए कांग्रेस का शिवसेना की सरकार के प्रति, चाहे वो एनसीपी के साथ बने, कांग्रेस के साथ मिलकर बने ना बने वो कह नहीं सकते अभी, लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आया कि इस बात का निर्णय सीडब्ल्यूसी की मीटिंग होगी, सब कुछ होगी, उसके बाद कहते हैं सोनिया गांधी जी डिसाइड करेंगी। क्यों सीडब्ल्यूसी किस लिए? आपने डिस्कस किया होगा, आप बोलिए कि हम एक निष्कर्ष पे पहुंचे हैं, नतीजे पे पहुंचे हैं, सोनिया गांधी उसको अनाउंस करेंगी। देखिए, बात ऐसी है कि सोनिया गांधी तो पार्टी की अध्यक्षा तो है ही, आजकल जब तक कोई कांग्रेस एक मत पे नहीं आती है उसका निर्णय जो है वो 3 लोग लेते हैं या 4 लोग लेते हैं, उसमें सोनिया के अलावा राहुल भी हैं, प्रियंका भी हो सकती है और बाकी खड़गे भी हो सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि आज सुबह से कितनी बार मीटिंग ये कांग्रेस की चली है, विधायक चाहे जयपुर में बैठे हो, लेकिन शाम तक की ये खबर है कि विधायक हर एक विधायक के साथ ये बातें कर रहे हैं। जैसा भी विनोद ने कहा कि शायद अगर वो कांग्रेस शिवसेना को सपोर्ट नहीं देती है, समर्थन नहीं देती है, तो धोखा यह है कि कुछ जो विधायक है जो चाहते हैं कि वो सरकार में जाए वहाँ, वो खिसक भी सकते हैं कांग्रेस से। इसलिए मुझे लगता है कि आप तो आप जैसे देखा कि दो घंटे रह गए हैं, 2 घंटे में मुझे लगता है कि कांग्रेस यहाँ तक नतीजे पर पहुँची है कि चाहे बाहर या अंदर, लेकिन विधायक चाहते हैं कि हम अंदर रहो, लेकिन उनको सपोर्ट देना चाहिए क्योंकि कांग्रेस का रिवाइवल महाराष्ट्र में इससे ज़्यादा होगा जो बिल्कुल खत्म हो गया था लोकसभा के चुनाव में। पंकज, यदि ये बात सही है कि इससे कांग्रेस का रिवाइवल होगा महाराष्ट्र में, तो क्या संजय निरुपम गलत कह रहे हैं कि कांग्रेस शिवसेना की सरकार को अगर मदद करती है, ये सरकार बनाने में मदद करती है, तो वो अपना वोटर बेस खो देगी? क्या संजय निरुपम ये केवल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो खुद भगोड़े हैं, पहले शिवसेना से ही आए कांग्रेस में और उनका महत्व तो कम हो जाएगा अगर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है तो? देखिए, संजय निरुपम क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे इसका कोई महत्व इसलिए नहीं है कि ये एक बहुत बड़े कैनवास पर लिया जाने वाला फैसला है। एक ऐसा मौका राजनीति में आया है जब शिवसेना जैसा घनघोर सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी का, वो भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गया है
और एनडीए से अलग हो गया है। इसका साफ संदेश ये है कि राजनीति का मूल मंत्र है विनम्रता और विश्वसनीयता, और जो भी राजनीतिक दल इस मूल मंत्र में विश्वास नहीं करता है, यकीन नहीं करता है और उससे किनारे होता है, तो अंततः वो राजनीति से किनारे होने लगता है। इन 5-6 वर्षों ने ये साबित किया है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी विश्वसनीयता लगातार खो रही है और अपनी विनम्रता को उसने जिस तरह से लोगों के सामने अहंकार के रूप में प्रस्तुत किया है उसको लोग देख रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी मतदाता के मन में तो भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता धीरे धीरे बहुत कम हुई है, उसके जो सहयोगी दल हैं उनको भी ये लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है। आपसी संबंधों में भी उन्होंने इस बात की मर्यादा आज हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, आज हम कह रहे हैं कि सरकार यहाँ पे बनेगी कि नहीं बनेगी वो चर्चा कर रहे हैं। मैं मानता हूँ जो आप कह रहे हैं भाजपा के बारे में वो सही है। वेंकटेश केसरी जी ये बताइए कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिसको दिमाग में रखकर सोनिया गांधी और कांग्रेस को फैसला करना चाहिए कि हम इस सरकार को सपोर्ट करें कि ना करें। कुछ विनोद ने बताया, बाकी लोगों ने बताया, आपके विचार से क्या मुद्दे हैं? ऐसा है कि सोनिया गांधी के पास ऑप्शन नहीं है। अगर वो किसी भी बहाने इस सरकार को ये यानी गैर भाजपा सरकार को समर्थन नहीं देती तो उसका एक ही मतलब निकलता है कि वो बीजेपी को स्ट्रेंथन कर रही है, और अगर बीजेपी को मजबूत कांग्रेस कर रही है, सोनिया गांधी कर रही है, तो कांग्रेस के इंटरेस्ट में नहीं रहेगा महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी की जो जड़ें हैं, पॉलिटिकल रूट्स है, उस मजबूत है। अगर इस मौके पे सेकुलर कम्युनल ये इशू बना के अगर सोनिया गांधी कुछ डिसीजन नहीं लेती, एब्सटेन रहती है, तो उसका पूरा फायदा नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भाजपा को मिलेगा। तो कांग्रेस में क्लैरिटी है कि ऐसा कतई नहीं करेगी, नंबर वन। नंबर टू ऐसा है कि वहाँ जो आपके साथ में दो अगर एनिमी है तो उसके अंदर बड़ा इविल कौन है वो आपको तय करना पड़ेगा। भाजपा के हाथ से अगर महाराष्ट्र चला जाता है तो उसका एक मैसेज है, उत्तर प्रदेश के बाद में नंबर दो का स्टेट महाराष्ट्र है, जिसकी संख्या लोकसभा में सबसे ज़्यादा है वो यूपी के बाद में, उसके शिवसेना के 18 MPs है, अगर वो बाहर आते हैं तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार कमज़ोर हो जाती है। महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी, कांग्रेस बाहर से समर्थन करे या अंदर से समर्थन करे, लेकिन जब तक कांग्रेस या एनसीपी सरकार में जाती नहीं तब तक ये सरकार स्टेबल नहीं बनती। तो तय तो कांग्रेस और एनसीपी को करना है। शिवसेना ने अपनी खेल ये खेल चुका है, शिवसेना एनडीए से बाहर रही है, मंत्री ने इस्तीफा दिया है, पोजीशन ले चुकी है। अब ये कांग्रेस और एनसीपी को तय करना है कि उसको कैसा एक्सप्लॉइट करेंगे, और मुझे लगता है कि ये दोनों सुलझे हुए प्लेयर है कांग्रेस और एनसीपी में, वो डिसीजन जल्दी ले लेंगे। ठीक है, विनोद, वेंकटेश केसरी कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स में हमेशा देखना चाहिए बड़ा दुश्मन कौन है। बड़ा दुश्मन यहाँ पर भाजपा है कांग्रेस का, तो गैर भाजपा सरकार बनती है भले ही आपका छोटा दुश्मन, छोटा प्रतिद्वंदी, दुश्मन तो नहीं कहना चाहिए प्रतिद्वंदी कहना चाहिए, विचारधारा में उनका वो कॉम्पिटिशन है, वो अगर सरकार बनाते हैं उनसे दोस्ती भले ही थोड़े समय के लिए चले, लेकिन एक बड़ा धक्का तो आप भाजपा को पहुंचा ही देंगे ना। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हैं और राष्ट्रपति शासन लगता है, दोबारा चुनाव होता है, तो क्या कांग्रेस को कोई फायदा होने वाला है? नहीं, जाहिर है कि बड़ा धक्का बीजेपी को लगेगा। देखिए, बीजेपी की प्रतिष्ठा जब 1984 में पहली बार इनके गठबंधन हुआ, शिवसेना का और बीजेपी का, तो उस वक़्त कुछ लोगों ने, मुझे याद है अटल बिहारी वाजपेयी, वो लाल कृष्ण आडवाणी पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में आए तो कुछ पत्रकारों ने घेर लिया उनको कि भी ये पार्टी तो बड़ी ही लुम्पन एलिमेंट्स वाली पार्टी है, आपने क्यों उसके साथ गठबंधन कर लिया। तो उस वक़्त उन्होंने कहा कि इशारा करते हुए अपनी उंगली को पेंसिल सरीका बनाते हुए कि इससे हिंदुत्व की धार तेज़ होगी, ज़्यादा पॉइंटेड होगी। तो उस हिंदुत्व की वो पॉइंटेड जो धार है उसको डेंट देना ज़रूरी है। केवल महाराष्ट्र में देखिए, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, ये जो नतीजे आए हैं इसका जेनेसिस क्या आया है? आपने जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस में शरद पवार का नाम लिया और उन्होंने पलट के कहा कि मैं छत्रपति शिवाजी की औलाद हूँ, मैं दिल्ली के सामने सर नहीं झुकाऊंगा। और किस दिल्ली के सामने शिवाजी ने सर नहीं झुकाया था? जिस दिल्ली पे औरंगजेब का राज था। उन्होंने किसी को औरंगजेब नहीं कहा, लेकिन जो इतिहास की समझ रखते हैं उनकी समझ में आ गया।
और उसके बाद सतारा में उन्होंने छत्रपति शिवाजी के वंशज को अपने एक दोस्त के द्वारा हराया और वो सतारा की लोकसभा की सीट वापस एनसीपी ने जीत ली, जो एमपी डिफेक्ट करके गया था उस तरह वो हार गया बिल्कुल। और उसी तरह से पूरे वेस्टर्न महाराष्ट्र में और जगह पे भी शरद पवार ने अपना वर्चस्व दोबारा से एक्सप्रेस करा और उसको एग्रेट किया। तो शरद पवार अब भारतीय जनता पार्टी वहाँ सरकार क्यों नहीं, वहाँ पर अब हॉर्स ट्रेडिंग क्यों नहीं हुई, मैं पूछना चाहता हूँ। हॉर्स ट्रेडिंग इसलिए नहीं हुई कि लोगों की समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी का जो आंकड़ा 105 वाला है, अगर उसमें से 35 वो सीट हटा दें जहां पर अगाड़ी प्रकाश अंबेडकर की और ये क्या कहते हैं ओवैसी साहब के कैंडिडेट थे वो निकाल दीजिए, और उतने ही 35 के करीब वो निकाल दीजिए, 16 वो निकाल दीजिए जो एनसीपी कांग्रेस के डिफेक्टर जीते हैं, तो उनका अपना आंकड़ा जो है वो 46-47 करीब बनता है, जो कि 2009 में उनका आंकड़ा था। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी लोगों पर जाहिर हो गया है कि जमीन पे उतनी मजबूत नहीं है जितनी टेलीविजन स्टूडियोज में नजर आती है। ठीक है विजय, यदि कांग्रेस महाराष्ट्र में गैर भाजपा सरकार बनाने में मदद करती है तो कांग्रेस को फायदा तो होगा ही, लेकिन क्या आप उन लोगों से सहमत हैं जो कहते हैं कि कांग्रेस को बाहर से समर्थन देना चाहिए और स्पीकर का पद ले लेना चाहिए, या उनसे सहमत हैं जो कह रहे हैं कि अगर पावर शेयरिंग करनी है तो ठीक से पावर शेयरिंग करिए ना, आप हिस्सेदार बनिए सरकार में। ये बहुत सारे जो विधायक है कांग्रेस के वो इसी मत के हैं कि बाहर से जो सपोर्ट है वो ना दे लेकिन हम पावर शेयरिंग करें, ये काफ़ी विधायक का कहना है। आज दोपहर से वही बात चल रही है, अब देखना पड़ेगा कि कांग्रेस डिसीजन क्या लेती है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर विधायक की बात मान ले तो एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस ये तीनों मिलकर अगर सरकार बनाती है तो वो सरकार बहुत स्टेबल रहेगी। अगर कांग्रेस ने बाहर से उसको सपोर्ट कर दिया तो लगता है कि जैसे 1990 में चंद्रशेखर की सरकार थी और एक शंका थी कि कांग्रेस कभी भी वो जो अपना समर्थन है वो निकाल लेगी, ये जो शंका है वो अगर नहीं रखनी है आपको तो आपको सरकार में जाना पड़ेगा। तो लोगों को वो आश्वस्त करना पड़ेगा, महाराष्ट्र के लोगों को आश्वस्त करना पड़ेगा कि आप सही माने में ये करते हो। दूसरी बात उसमें ऐसी है कि आपका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है। आज से बात ये चल रही है कि जो फार्मर्स है उनके बारे में जो शरद पवार जो बात कर चुके हैं वो मुद्दा लेके एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जा सकता है जिसमें शिवसेना भी कह रही है और कांग्रेस भी कह रही है और ये चीज कर रहे हैं। अगर ये होता है तो मेरे ख्याल से एक एजेंडा उनका बन जाएगा और वो एजेंडा लेके सरकार चलती है तो लोग जो मतदाता है वो भी आश्वस्त हो जाएंगे कि हमको शिवसेना के 5 साल तो मिले, शिवसेना और कांग्रेस के इसके बीजेपी के ये भी सरकार हमको काफ़ी समय तक यानी 5 साल तक या 4-5 साल तक वो बनी रहेगी, ये मतदाता महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो उनको वो आश्वस्त हो जाएंगे और मुझे लगता है कि उनको समर्थन भी मिलेगा, चाहे बीजेपी 105 होके भी जितना विरोध करना चाहे विधानसभा में या कहीं भी वो कर सके। एक बात उसमें इंटरेस्टिंग हुई कि बीजेपी में कोई नहीं बोला, सिर्फ एक आदमी ये कह रहा है सुब्रमण्यम स्वामी कल से कि विचारधारा की बात जो है वो अमल ले ले तो शिवसेना और बीजेपी एक ही विचारधारा की है, मुख्यमंत्री के बाद आप क्या लेके बैठे हैं, अभी ये मौका है कि बीजेपी ने शिवसेना को समर्थन करना चाहिए, पहली बार मैं सुना हूँ, लेकिन इनके जो है स्वामी जो है उनका कौन सुनता है यहाँ। ठीक है, महाराष्ट्र के नेता क्या चाहते हैं पंकज, क्योंकि महाराष्ट्र के कांग्रेसी नेताओं के साथ दिल्ली में बैठक हो रही है। मेरा तो मानना था कि जयपुर वालों के साथ भी बैठ के बैठक करनी चाहिए, पर विजय कह रहे हैं उनसे फोन पे कहा जा रहा है बातचीत हो गई है, तो महाराष्ट्र के नेता क्या चाहते हैं, उन्होंने सोनिया गांधी को क्या कहा होगा, आपको कुछ अंदाज़ा है या क्या कहना चाहिए उनको? मेरी जो जानकारी है वो ये है कि महाराष्ट्र के कांग्रेस के ज़्यादातर नेता ये चाहते हैं कि जो सरकार बने वो मजबूत बने और लंबे समय तक समय पूरा करे, एक ऐसी सरकार बने, और इसके लिए ज़रूरी है कि कांग्रेस सरकार में शामिल हो। मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि अगर कांग्रेस सरकार में शामिल होती है तो उसमें कोई बुराई इसलिए नहीं है कि दरअसल शिवसेना अपनी विचारधारा में करेक्शन कर रही है।
अगर शिवसेना ने अपनी विचारधारा में करेक्शन न किया होता तो वो इतना बड़ा कदम नहीं उठाती कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से अलग होती। तो ये एक सुखद संकेत है, अगर शिवसेना जैसी पार्टी को आज ये लगता है कि समाज में जो कुछ चल रहा है और सामाजिक सरोकार के चलते उसको अपनी पुरानी विचारधारा में संशोधन करके ज़्यादा उदारवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और सर्वधर्म संभाव की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए तो अच्छा है, इसमें कांग्रेस जैसी पार्टियों को उसका सहयोग करना चाहिए। ठीक है, अभी लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, इस ब्रेक के बाद चर्चा को जारी रखेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काली ताज की, हर तरफ पसरा यहां इतिहास है, यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। SRK University, not just a name, but a gate to your success. Extraordinary placements, expert faculty, advanced infrastructure. SRK University, excellent education, modern learning. Courses offered: engineering, MBA, pharmacy, agriculture, dental, homeopathy, nursing, law, BSc, MSc, BCom, MCA, and many more. SRK University, where education becomes better. Admissions open. Call 70241-44981 or visit www.srku.edu.in. सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 1800-300-26072। इस चर्चा में फिर से आपका स्वागत है। वेंकटेश केसरी साहब, शिवसेना ने NDA से अपने मंत्री का इस्तीफा NCP के कहने पे दिलवाया, क्योंकि NCP की प्री कंडीशन थी कि पहले तलाक लीजिए NDA से, तब हमसे रिश्ता बनाइए, वो उन्होंने कर दिया। अब बॉल तो NCP के कोर्ट में, NCP का क्या कर्तव्य बनता है? अब NCP को कन्विंस करना चाहिए ना कांग्रेस को कि आप सरकार बनाइए। NCP के नेता कह रहे हैं कि हम इंतजार करेंगे, कांग्रेस क्या करती है, इंतजार क्यों करेंगे? आप कन्विंस करिए सोनिया गांधी को, आप कन्विंस करिए कांग्रेस के अन्य नेताओं को कि सरकार बनाने की आवश्यकता है, देखो इन्होंने NDA से अपना पल्ला झाड़ लिया है। बिल्कुल, आपने जो कहा, आवाज नहीं आ रही। अब बोलिए। नहीं, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। ठीक है, तो ऐसा है कि शरद पवार और सोनिया गांधी की एक मीटिंग हो चुकी है जी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और NCP के नेता, इनकी लगातार इनके इंटरेक्शन हो रहा है, तो सवाल कन्विंस का नहीं है, सवाल मुझे लगता है टाइमिंग का है। एक ज़माने में BJP के लोग यहाँ, सेंट्रल लीडर्स यहाँ दिल्ली में कहते थे कि शिवसेना कहाँ जाएगी, उसके साथ कौन अलायंस करेगा, लेकिन ये उसको अच्छा मौका मिला है उसकी पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी ख़त्म करने के लिए। जहाँ तक कांग्रेस और NCP की बात है, उनको ये मौका है कि मैंडेट जो है, नंबर्स शिवसेना BJP के साथ भले क्यों ना हो, लेकिन सरकार उनकी नहीं बन रही है, तो इसका फ़ायदा लेके कांग्रेस जो लगातार, कांग्रेस और NCP पिछले 15 साल से पावर में थे, 2014 के पहले, 1999 से 2014 तक, तो वो अपने जड़े पॉलिटिकल रूट्स है वो मजबूत करे। 2014 में शिवसेना और भाजपा का असेंबली में इलेक्शन अलायंस नहीं हुआ था, लेकिन शिवसेना NDA में थी। लेकिन इस बार जब कांग्रेस और NCP ने उनके ऊपर प्रेशर डाला कि उनको पोजीशन लेनी पड़ी, कि वो NDA से भी नाता तोड़ा है। शिवसेना ये पहली पार्टी नहीं है, हालांकि रीजनल पार्टीज और BJP के कभी अच्छे रिलेशन रहे नहीं। बीजू जनता दल हो, जनता दल यस हो, जनता दल यू हो, PDP हो, ये सभी क्षेत्रीय दल BJP को अलग अलग से निकल चुके हैं,
कम से कम 7-8 ऐसे होंगे, तो बीजेपी और क्षेत्रीय दलों का कभी प्यार का रिश्ता रहा नहीं। अटल बिहारी जी वाजपेयी के समय हुआ होगा लेकिन अभी नहीं है। इस मौके का फायदा लेके एनसीपी कांग्रेस ये जो है महाराष्ट्र में, उन्होंने मुझे लगता है कि वो राइट ट्रैक पे है, काम हो रहा है, अब शाम तक शायद कुछ परिणाम उसके दिखाई देंगे। विनोद, एक इससे एक सीख ये नहीं मिलती है पूरे देश को कि अगर सारी पार्टियां जो बीजेपी से तंग आ चुकी हैं वो इकट्ठी हो जाएं तो बीजेपी को हराया जा सकता है। एक मैसेज ये भी है कि उसको चुनाव के बाद हराने के बजाय चुनाव से पहले हरा दें ताकि साथ आके। देखिए, ऐसा है, कहना आसान होता है, करना मुश्किल होता है। ये जो आप देख रहे हैं सब नज़ारा, ये नज़ारा उस वक़्त भी ऐसा हुआ करता था जब कांग्रेस का वर्चस्व था इस देश में। वो जो एंटी कांग्रेसिज्म था वो सेंटिमेंट अब क्लियरली डाइल्यूट हो रहा है। और जो भारतीय जनता पार्टी, देखिए भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का बीच में सबसे बड़ा विरोधाभास क्या था, दोनों एक ही पेज पे थे आइडियोलॉजिकली, बहुत से मुद्दों पर उनकी एक राय थी, सिर्फ बस बात करने का तरीका अलग था। बीजेपी एक अंदाज में बोलती थी, शिवसेना दूसरे अंदाज में बोलती थी, लेकिन उनका आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव एक ही था। उनकी जमीन की लड़ाई थी महाराष्ट्र में। शिवसेना जिसके कंधे पे सवार होकर निकली भारतीय जनता पार्टी, उसको उसने जूनियर पार्टनर बन गया, शिवसेना जूनियर हो गया, वो सीनियर हो गई। तो वो जो जमीन की लड़ाई है वो सबसे बड़ा विरोधाभास है, और इसीलिए शिवसेना चाह रही थी कि उसको मुख्यमंत्री का पद मिले ताकि वो जो खोई हुई जमीन है वो अपनी दोबारा हासिल कर सके। बिल्कुल। एक तो क्योंकि जब से बाला साहब ठाकरे गए हैं, जिस तरह का आदर और सत्कार शिवसेना को भारतीय जनता पार्टी प्रमोद महाजन के जरिए, गोपीनाथ मुंडे के जरिए दिखाती थी, वो आदर और सत्कार उसको नहीं मिला। और जो राजनीतिक परिपक्वता गोपीनाथ मुंडे में और प्रमोद महाजन में थी, वो आज के बीजेपी के पॉलिटिकल मैनेजर्स जो कि कार्यरत हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, उनमें नहीं है। और पिछले इलेक्शन में, पूरे इलेक्शन में नितिन गडकरी लगभग नाराज थे, और विदर्भा में बड़ी मात हुई, उसके चलते भारतीय जनता पार्टी की विदर्भा से ही देवेंद्र फडणवीस आते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो ग्राउंड रूल, जो बेसिक रूल होते हैं रिश्तों के, बड़ी पार्टी और छोटी पार्टी के बीच में, कि अब बड़ी पार्टी परस्पर छोटी पार्टी को छोटा ना दिखाती रहे, वो जो रूल्स थे उसका अनुपालन भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, इसीलिए जो उसने बोया है आज के दिन वो काट रही है। ठीक है। विजय, उद्धव ठाकरे की बात कर रही है, कह रहे हैं उनको बाला साहब ठाकरे जैसे इज्जत नहीं देती है बीजेपी, भले ही ना दे वो बीजेपी की प्रॉब्लम है, लेकिन क्या एनसीपी दे पाएगी? क्या एनसीपी को ये स्वीकार होगा कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने और एनसीपी का उप मुख्यमंत्री बने? इसमें कोई प्रॉब्लम होगी क्या एनसीपी? मुझे ये लगता है कि भरत, तुम जो कह रहे हो उसमें तथ्य है, क्योंकि अभी शिवसेना ने ये कह दिया है पहले से कि मुख्यमंत्री शिवसेना का ही होगा, तो इससे, इस बात से तो शिवसेना टलने वाली नहीं है या ढलने वाली नहीं है बिल्कुल। चाहे वो एनसीपी अगर सरकार में चली जाए तो ये उनका उप मुख्यमंत्री हो सकता है और कांग्रेस का स्पीकर भी हो सकता है। नहीं, पर अधिकार नहीं है क्या शिवसेना का? शिवसेना ने ही तो बीजेपी को सड़क पे खड़ा कर दिया आज, एनसीपी ने थोड़ी किया। मुख्यमंत्री उनका ही, उनका मुख्यमंत्री तो शिवसेना का ही होगा। बनना भी चाहिए, मैं कह रहा हूं, बात ऐसी है, सारा काम तो उन्होंने किया। दूसरी बात ऐसी है, जैसे अभी बात चल रही थी कि जो उद्धव ठाकरे जो थे, पहले उन्होंने स्वीकार तो कर लिया कि हमारी पार्टी छोटी है इसलिए हम ये करते हैं। 18 मेंबर होने के बाद भी संसद में एक मंत्री पद मिला था, और आज अरविंद सावंत जो इंटरव्यू दे रहे थे उन्होंने कहा कि बीजेपी ने यह भी कह दिया था कि 2 महीने के बाद हम मंत्री आपको अच्छा पोर्टफोलियो दे देंगे, वो भी हुआ नहीं है। कहते हैं कि सारे आश्वासन तो देते हैं लेकिन वो पूरा नहीं करते हैं। इसी बात के ऊपर इनके झगड़े जो हुए या मतभेद हुए, ये इसी को लेकर मतभेद हुए। हम देख रहे कि 15 दिन से वही बातें कह रही जा रही है कि जो आपने आश्वासन दिए थे उसको पूरा नहीं किया है। अगर वो चीज़ हो जाती है तो मेरे ख्याल से अभी जो शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, इनके आपस में जो आश्वासन होंगे उनको खड़े उतरना पड़ेगा, वो आश्वासन को एक दूसरे को देने के लिए। और वो जो एजेंडा होगा, कॉमन मिनिमम एजेंडा होगा, वो लोगों तक जाना चाहिए कि हम ये करके दिखाएंगे,
क्योंकि बड़ा बहुत बड़ा चैलेंज है ये जो सरकार बनेगी उनके सामने। बिल्कुल पंकज जी, यदि महाराष्ट्र में गैर भाजपा सरकार बन जाती है कांग्रेस की मदद से या कांग्रेस उसमें शामिल भी हो जाती है, तो इससे पूरे देश में और भाजपा के प्रति लोगों के मन में क्या संदेश जाएगा? हराया कि इसको हराया जा सकता है, कि इनको आउट मनूवर किया जा सकता है? देखिए, ये संदेश तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में पूरे देश में हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों के बाद चला गया कि भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बहुत कम हो गई है। 2019 का लोकसभा चुनाव वो जैसे जीत गए एक अलग बात है, लेकिन ज़मीनी स्थिति तब भी वैसी नहीं थी। तो ये संदेश तो जा चुका है। महाराष्ट्र में जो सरकार बन रही है उससे इससे भी बड़ा संदेश ये जाने वाला है कि अब भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े माने जाने वाले सहयोगी दल भी उसके साथ नहीं हैं और धीरे धीरे एनडीए टूट की ऐसी कगार पर पहुंचने वाला है कि जिसका असर भारतीय जनता पार्टी की भीतरी राजनीति में भी पड़ेगा। और कोई आश्चर्य नहीं कि आने वाले वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी इस तरह के विभाजन की प्रक्रिया शुरू हो। चलिए, वो तो देखने वाली बात है क्या होता है आगे। लेकिन वेंकटेश जी, अभी तक भाजपा का जो एक छत्र राज चल रहा था महाराष्ट्र में और दिल्ली में, उससे था कि भाजपा सरकार के पास ऐसे प्रेशर पॉइंट्स थे जिससे वो दबाव डाल सकती थी अपने प्रतिद्वंदियों के ऊपर सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करके, और किया भी। शरद पवार के खिलाफ किया, प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ चली रहा केस, अजीत पवार के खिलाफ किया। लेकिन अगर महाराष्ट्र में गैर भाजपा सरकार बनती है तो उस सरकार के पास भी तो दबाव डालने वाले इंस्ट्रूमेंट्स आ जाएंगे, कम से कम भाजपा के महाराष्ट्र के नेताओं के प्रति। बिल्कुल आपने ठीक कहा, अगर केंद्र से दबाव होता तो उसको उसी भाषा में जवाब राज्य से भी मिल सकता है। लेकिन दबावों की राजनीति कैसी चलेगी, क्योंकि महाराष्ट्र और गुजरात नेबरिंग स्टेट्स है, कमर्शियल इंटरेस्ट है, वहाँ का जो एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है, उसके इंटरेस्ट है। अब ये जो बीजेपी का जो शीर्षस्थ नेतृत्व है उनको भी पता हुआ होगा, चला होगा कि दबाव की राजनीति चली नहीं है महाराष्ट्र में, और वो ज़्यादा चलेगी भी नहीं, और ये फेडरल स्टेट के लिए ये अच्छा भी नहीं होता है। से जैसा कि अगर ये उनका जो जो प्रधानमंत्री का जो अच्छा जो उनका जो डेरेस्ट प्रोजेक्ट है कि बॉम्बे अहमदाबाद जो ये अपना बुलेट ट्रेन, अगर उसको उसके अंदर अगर अड़ंगा डाल दिया तो क्या हो जाएगा वो, क्योंकि सभी वहाँ के सभी पॉलिटिकल पार्टीज बीजेपी छोड़ के सबका इसका विरोध है। शिवसेना ने किया है, एनसीपी ने किया है, कांग्रेस ने किया है। उनका कहना है कि नागपुर दिल्ली क्यों नहीं, अहमदाबाद बॉम्बे क्यों? तो ये ऐसे बहुत सारे मसले हैं। ठीक है, ऐसा है कि पॉलिटिक्स में मसल फ्लेक्सिंग करके आप सरकार नहीं चला पाते। ठीक है, ठीक है, ठीक है वेंकटेश जी, अभी और चर्चा हम कर सकते थे लेकिन समय समाप्त हो गया। अभी देखते हैं नई सरकार महाराष्ट्र में कैसे बनती है, गैर भाजपा सरकार बनती है नहीं बनती है, ये सब देखेंगे, आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा। और तो कल तक जब उद्धव ठाकरे और सोनिया गांधी में बात होगी फोन पे, जी तो वो पेशरफ का है बनी रही। बिल्कुल, तो अगर सरकार बन जाती है तो कल हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।